एनटीपीसी और टाटा ग्रुप को सर्विसेज देने वाली सोलर सेल और सोलर पैनल बनाने वाली प्रीमियम एनर्जीज के शेयरों में आज जमकर मुनाफा वसूली हुई। इस मुनाफा वसूली के चलते प्रीमियर एनर्जी के शेयर लगातार 8 कारोबारी दिनों की तेजी के बाद आज करीब 12% टूट गए। हालांकि दोपहर तक ये ग्रीन जोन में था और लगातार 9वें दिन यह ग्रीन जोन में था। इंटरडे में ये 4.84% उछलकर 1264.90 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि फिर मुनाफा वसूली के चलते ये टूटकर 1114.00 रुपए तक आ गया, जो 1264.90 रुपए की रिकॉर्ड हाई से करीब 12% डाउन साइड है। फिलहाल बीएसई पर ये 6.27% की बढ़त के साथ 1130.80 रुपए के भाव पर है। इसके शेयर आईपीओ निवेशकों को 450 रुपए के भाव पर जारी हुए थे। प्रीमियम एनर्जी की ताबड़तोड़ तेजी के चलते ही मुनाफा वसूली का दबाव झेलना पड़ा, क्योंकि हाल ही में इसे करोड़ों का ऑर्डर मिला है जो शेयरों के लिए पॉजिटिव था। आज लगातार 9वें दिन शेयर की तेजी ने निवेशकों को मुनाफा बुक करने का मौका दिया है। वहीं हाल ही में इसे उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से 215 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी राज्य के कई जिलों में 8085 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाएगी, जिसकी वारंटी 5 साल होगी। ये काम मार्च 2025 तक पूरा करना है। प्रीमियम एनर्जी के शेयर आज लगातार 9वें दिन बढ़े थे। इसके शेयरों को सोलर सेल्स के लिए मॉडल्स और मैन्युफैक्चर की जो लिस्ट मंजूर के लिए ड्राफ्ट के नियमों से फायदा मिलने की उम्मीद से सपोर्ट मिला। इस ड्राफ्ट को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया है और ये अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है। प्रीमियर एनर्जीज इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर पैनल बनाती है। इसके पोर्टफोलियो में सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेसियल मॉड्यूल्स, बायफेसियल मॉड्यूल्स, आईपीसी सॉल्यूशंस और ओ एंड एम सॉल्यूशंस है।